मान्य सदस्यगण, कल का एक ऐसा अस्मरणीय दिन था जब देश में न कोई राजनीतिक मतभेद था, न कोई मतभिन्नता थी, न कोई पंथ, न कोई संप्रदाय, न कोई अमीर था, न कोई गरीब था, सारा हिंदुस्तान एक था। कल शाम को 5 बजे हम सबने जो देखा वो भारत की आत्मा थी। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक प्रयासों से संपूर्ण देश एकजुट था। उनके आह्वान पर ये देश इस महामारी से निपटने के लिए एकजुट दिखा। संपूर्ण देश ने सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मियों, एयरपोर्ट के कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, मीडिया ने जिस तरीके सेवाएं प्रदान की उसके लिए हम सब उनका अभिवादन करते हैं। हमने ये भी देखा कि माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उपराष्ट्रपति जी ने ताली बजा के कृतज्ञता व्यक्त की। हमारे सदन के नेता, कांग्रेस सदन के नेता अधीर रंजन जी की पुत्री हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, चाहे नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हों, चाहे शरद पवार जी हों, चाहे उद्धव ठाकरे जी, कई राज्य के मुख्यमंत्रियों ने तालियां बजाकर और इस प्रयासों की सभी लोगों ने उन महान कर्मियों के लिए सम्मानित होने के लिए आभार व्यक्त किया। मैं चाहूँगा कि सदन एक बार खड़ा होकर तालियां बजाकर उनका अभिवादन करें। मैं चाहूँगा एक मिनट, मैं चाहूँगा कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस महामारी की लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं। मैं ये भी आग्रह करना चाहता हूँ, हम सब यहाँ से अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि सब केंद्र और राज्य सरकार, जिला परिषद प्रशासन के कानूनों को अक्षर पालन करें, स्वयं अनुशासित होकर हम पालन करें और इन नियमों को कठोरता पालन करने में जनता का सहयोग भी करें, क्योंकि इस महामारी को रोकने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। हमें अपने पास किसी प्रकार की नकारात्मक माहौल न बने, सकारात्मक रहकर हम इस चुनौती का सामना एक परिवार के रूप में कर सकते हैं, इस वायरस को फेड में रोक सकते हैं।